आज हम शेयर करेंगे चटपटे मसालेदार हींग वाले चने की रेसिपी। सिर्फ 2 मिनट में आप ये हींग वाले चने बना सकते हैं और इन हींग वाले चनों को एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। ये हींग वाले चने खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनको नमकीन की तरह चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख में भी इनको खा सकते हैं। ये नमकीन का बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए बनाते हैं चटपटे मसालेदार हींग वाले चने। हींग वाले चने बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। सरसों के तेल के अलावा आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल हींग वाले चने बनाने के लिए ले सकते हैं, जो आप घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और आप यदि तेल की जगह मक्खन या देसी घी डाल रहे हैं तो मक्खन या देसी घी सर्दियों में जम भी सकता है, तो इसलिए रिफाइंड ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ही डालेंगे हींग। हम हींग वाले चने बना रहे हैं तो इसमें हींग थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे। हींग को ज़्यादा भी नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है। अब इसमें डाल देंगे 500 ग्राम भुने हुए काले चने। मैंने छिलके वाले भुने चने लिए हैं, आप चने बिना छिलके वाले भी ले सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिला देंगे ताकि सारे चनों पर हींग अच्छे से लग जाए। हम चने में अभी और भी मसाला बाद में डालेंगे ताकि ये चने जो मार्केट में चने मिलते हैं ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी बने। सभी को पता है कि भुने हुए चने हमारे लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। भुने हुए चने फाइबर और प्रोटीन का खजाना है। इसमें कैल्शियम होता है तो ये हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। भुने हुए चनों का नियमित सेवन करने से वेट लॉस करने में भी मदद मिलती है और ये ब्लड प्रेशर और शुगर को भी कंट्रोल में करता है। भुने हुए चने कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, इसलिए डेली थोड़े भुने हुए चने जरूर खाने चाहिए। लेकिन किसी किसी को भुने हुए चने खाने से एसिडिटी, गैस, वाई आदि की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इस तरीके से हींग वाले चने बनाकर खाएंगे तो भुने हुए चने खाने से गैस, वाई आदि की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये हींग वाले चने बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। और आपने यदि मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, थोड़ी देर में ही सारे चनों पर हींग अच्छे से लग गई। तो अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच काला नमक। आप काला नमक की जगह नॉर्मल वाला नमक भी डाल सकते हैं। वैसे काला नमक डालेंगे तो हींग वाले चनों का टेस्ट डबल हो जाएगा और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती, इससे चनों का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप यदि कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं तो तीखी वाली लाल मिर्च भी नहीं डालनी है, क्योंकि यदि तीखी वाली लाल मिर्च डाल देंगे तो जब हींग वाले चनों को खाएंगे तो हो सकता है कि होठों पर मिर्ची की वजह से जलन हो जाए। 1 चम्मच ही डालेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच ही डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो। आप इसमें अमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर। जीरा पाउडर इसमें ज़रूर डालना है, जीरा पाउडर के बिना भी ये हींग वाले चने खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और ये मैंने कच्चे जीरे का पाउडर लिया है, भुने हुए जीरे के बजाय कच्चे जीरे का पाउडर डालेंगे तो चने खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिला देंगे। हींग वाले चने मार्केट से ख़रीदते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन अब बहुत ही कम खर्चे में आप ये हींग वाले चने घर में ही आसानी से बिना किसी दिक्कत के बना सकते हैं। और जब ये चने अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इनको एयरटाइट कंटेनर में डालकर ही रखना है, क्योंकि हम इनको यदि एयरटाइट कंटेनर में डालकर नहीं रखेंगे तो इन हींग वाले चनों में नमी बहुत ही जल्दी आ जाएगी। और चनों में यदि हल्की सी भी नमी आ जाएगी तो ये हींग वाले चने खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। मसाला डालने के बाद इनको 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला चनों के ऊपर अच्छे से लग जाए। थोड़ी देर में ही सारे चनों पर मसाला अच्छे से लग गया। अब हमारे बहुत ही टेस्टी चटपटे मसालेदार हींग वाले चने तैयार है। अब गैस को बंद कर देंगे। आपको ये हींग वाले चने बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।